फिलीपींस ने चाइना को धमकी दे दी है कि बॉर्डर पर सैनिक अभ्यास बंद करे अपना नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे फिलीपींस जो इजराइल के साथ लड़ रहा है जो छोटा सा देश है जो विस्तारवादी नीति के खिलाफ संघर्ष कर रहा है चाइना के दोस्तों नमस्कार मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आज़ाद हिंद आवाज़ की तरफ से आवाज़ों का मेला लेकर के और न्यूज़ों का मेला लेकर के जो न्यूज हैं आप सुनना चाहते हैं उन न्यूज़ों के बारे में आप सुनना चाहते हैं जो न्यूज हैं हिंदुस्तान की आवाज़ को प्रदर्शित करती हैं अगर इन न्यूज़ों को ना आके लेके आया जाए तो शायद हिंदुस्तान गूंगा रह जाएगा क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो तो गूंगा है ही वो तो आप जानते हैं लेकिन मैं एक बड़ी खबर लेके आपके बीच आना चाह रहा हूं बड़ी खबर यह है बड़ी खबर से पहले कुछ मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा देखिए साहब आज पुलिस के आठ शहीद हुए उन पर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पुलिस वालों को भारतीय जनता तो पार्टी के लोग मारते हैं उस पर कोई न्यूज मीडिया नहीं चलाता है वो सोशल मीडिया पर चल के रह जाते हैं गुमनाम हो जाते हैं लेकिन दोस्तों सेना का भी अपमान किया जाता है और सेना को गुलाम बनाया जाता है जब मनमोहन सिंह के जमाने में बोला जाता था कि मनमोहन सिंह साहब ने हाथ बांधे हुए हैं तो अब चीन के बॉर्डर पर भी हाथ बांधे जाते हैं मैं दो खबरें आपको बताना चाहूंगा जो खबरें आज की बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप खुद एनालाइसिस कीजिएगा मोदी भक्तो आप भी जग करके एनालाइज कीजिएगा मुझे बुढ्ढा बोलने वाले मुझे पागल बोलने वाले वो भक्त जो हमेशा एक रटा रटाया सेंटेंस डाल देते हैं कॉपी और पेस्ट कर देते हैं उनको मेरा चैलेंज है आज की खबर सुनने के बाद अगर अपनी मां के असली बेटे हो तो मोदी के मज़ार पे मूद के मूद के आना वो मोदी कौन है ललित मोदी है या कोई और मोदी है मुझे नहीं पता किसकी मज़ार पर मूत के आओगे आप लेकिन पहली खबर फिलीपींस से बताना चाहूंगा कि फिलीपींस ने चाइना को धमकी दे दी है कि बॉर्डर पर सैनिक अभ्यास बंद करें अपना नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे फिलीपींस जो इसराइल के साथ लड़ रहा है जो एक छोटा सा देश है जो विस्तारवादी नीति के खिलाफ संघर्ष कर रहा है चाइना के उसकी ये धमकी होती है इसके उलट हमारे छप्पन इंची का क्या काम होता है छप्पन इंची बोलते हैं भारतीय सेना के जवानों को 15 जुलाई से सभी तरह के सोशल मीडिया छोड़ने का सरकार का निर्देश हाथ बांधना ना हुआ तो क्या हुआ ये वो ना हुआ जो कभी हिंदुस्तान में ना हुआ मनमोहन सिंह की सरकार में ना हुआ जो मोदी सरकार साहब की सरकार में हो गया हाथ तो बांधने की बात छोड़ो जब आप सोशल मीडिया अकाउंट पर आप पूरा सीज कर सकते हैं भारतीय सेना को इसका मतलब भारतीय सेना कष्ट में है उसको हथियार नहीं पहुंच रहे उसको कुछ नहीं पहुंच रहा इसलिए उसके सोशल मीडिया अकाउंट को है। जो है बंद करने का आदेश दे दिया गया तो सरकार के द्वारा सरकार कौन होती है हिंदुस्तान की सेना की जवाबदेही तय करने के लिए हिंदुस्तान की सेना की जवाबदेही तय करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कौन हो सकते हैं यह अधिकार सेना को होना चाहिए सेना के हाथ खुले छोड़ने की बात करते थे प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आज सेना का हाथ बांध रहे हैं शर्म आनी चाहिए गहरा आनी चाहिए यह आदेश पारित करने से पहले गृह मंत्रालय को रक्षा मंत्रालय को यहां भैंसों में उलझा जा उलझा दिया जाता है विकास दुबे के एनकाउंटर में लेकिन यह नहीं बताया जाता कि पाठ्यक्रम बदल दिया गया सीबीएसई का वहां लोकतंत्र के मायने बदल दिए गए तीस परसेंट कम करने के पाठ्यक्रम में इनका मायने यह था कि संघवाद का संविधान चालू हो जाए और हिंदुस्तान की सेना पर इस तरह का आक्रमण ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान अगर जवानों को आजादी नहीं रहेगी उनको अपनी आजादी नहीं रहेगी सोशल मीडिया पर अकाउंट उनके डिलीट करने की तोहीद दी जाएगी उनको ऑर्डर दिए जाएंगे तो इसका मतलब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वजीर आला सेना को गुलाम बना लेना चाहते हैं इस पर सफाई कौन देगा सरकार को सफाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए दोस्तों यह खबर एक ट्वीट के जरिए आई शोभना गुजर जिन्होंने ये ट्वीट डाला खबर क्या थी क्या नहीं थी इसकी तस्दीक भी करके मैं डाल दूंगा दोस्तों लेकिन क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर जवानों को अपने अकाउंट डिलीट करने चाहिए कि नहीं करनी चाहिए आप बताइए क्या उनको घर में अपनी खैरियत वीडियो कॉल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए अपनी खैरियत बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए फेसबुक पर अपनी खैरियत ट्विटर पर बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए देश की सीमाओं की असली हालात क्या हैं यह बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए दोस्तों सब कुछ गुम अंधेरा विकास दुबे के एनकाउंटर की तरफ मतलब और सेना के लोग मारे जाने वाले हैं जैसे पुलिस वाले मरवा दिए अपने नेताओं को बचाने के लिए शर्म करो शर्म करो शर्म करो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है ये खबर कैसी लगी जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों नमस्कार जय हिंद